माई सेल्फ मिस्ट्री हीरो वर्मा। सो आज हम फिर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। सो वीडियो का मेन फोकस है, आप बताइए कैसा होना चाहिए। आप कमेंट के जरिए बताइए कि आपको कौन कौन से मतलब एक्शन पर वीडियो चाहिए। सो आज की वीडियो आपके लिए है। जो ये हमारे क्लाइंट बैठे हैं, जो ये हमारा मॉडल है, इस पर हम प्रयोग करेंगे फ्लो ड्रायल। फ्लो ड्रायल कैसे किया जाता है और उसको कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है आपके पास, आप जेल लगाते हैं, आप हेयर स्प्रे लगाते हैं, आप हेयर वॉलिंग पाउडर होता है इसको लगाते हैं, और उसके बाद आप इंजो यूज करते हैं, टाफ्ट यूज करते हैं, वगैरह वगैरह काफी ब्रांड आते हैं जो आप अपने हेयर पर यूज करते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए देखने वाली है, इसको हम बड़ा ब्रिलियंट बनाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि अगर आपको लगता है कि वीडियो के जरिए आप अपना हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं ताकि आपके बालों को अच्छे लुक मिल सके, तो हम उन पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इनका शैम्पू करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर प्रोसेस को देखना, ठीक है जी। तो फिर हमने इनका शैम्पू कर दिया है, अब इनको हम ट्रायल करेंगे अच्छी तरह से। ट्रायल का कैसा प्रोसेस होना चाहिए फ्लो ट्रायल के लिए, इनके ट्रायल पर हम अपना हेयर पर बाद में ट्रायल के बाद में इनको हेयर स्प्रे करेंगे। हेयर स्प्रे कैसा होना चाहिए और कौन से आइडिया से लगाना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब हम करेंगे हेयर ट्रायल। आपकी बॉडी का एक बहुत संवेदनशील पार्ट होते हैं जिसको अगर आप संभाल कर नहीं रखेंगे तो आप अपने लीक से अपने कॉन्फिडेंस से हट जाएंगे, क्योंकि तो अब हमने इनको ब्लो ड्रायल कर दिया। ब्लो ड्रायल का मतलब होता है बालों को बाउंस करना, बालों को बाउंस में लेके आना। जैसे कि ज्यादातर स्किन के अंदर स्कैल्प के साथ चिपके होते हैं, मतलब ब्लो ड्रायल का मतलब होता है बालों में बाउंस लेके आना, बालों को ऑटनिंग करना, बालों को उनकी स्किन के हिसाब से थोड़ा बालों को स्ट्रेट करना और उसको अच्छी तरह से शेप देना। तो चलो ठीक है, तो अगर आपको पता चल गया है कि ब्लो ड्रायल क्या होती है, तो कैसे आपके बालों को शेप दे सकते हैं, तो ठीक है, अब हम इनके बालों को स्प्रे करेंगे। स्प्रे मतलब ब्लो ड्रायल, इनको ऐसा लगे कि इनका स्टाइल बिल्कुल नेचुरल है, अननेचुरल ना लगे। ज्यादातर क्या होता है जब आप हेयर स्प्रे करते हैं बालों को ऐसे चिपके देते हैं, चिपे चिपे होते हैं, बैट लुक हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्प्रे होती है ना ये वाली, मतलब इंजो ला लो, टफ्ट ला लो वगैरह वगैरह काफी ब्रांड आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर ऐसे मारते रहेंगे ना, ऐसे एक ही जगह स्प्रे करेंगे, तो आपके बालों का जो लेवल होता है डाउन हो जाता है, तो वो बैट लुक में आ जाते हैं, जैसे गीला होता है बाल ऐसा। जब आप इस पर स्प्रे करेंगे कौन से एंगल में करना चाहिए, कितनी दूरी से करना चाहिए, आप जरूर देखना। तो हमने आपको बोला था कि अगर आपके बाल आपके अकॉर्डिंग ब्लो ड्रायल करते समय आपके माइट के अनुसार या क्लाइंट के माइट के अनुसार शेप में नहीं आ रहे, तो आप ये प्रेस आयनिंग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनके हेयर। याद रखिए जो आपके ये टेम्परेचर होते हैं ना, ये टेम्परेचर जैसे 230, 210
टू 90 डिग्री, यानी कि कंपेरिजन वालों की जो आपके स्ट्रक्चर के अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ बालों को, आयरिंग कर रहा हूँ, जितना मतलब हमको चाहिए कि इनको ऐसी शेप दे सकते हैं। तो ठीक है जी, देखते रहिए। सर एक कॉम देंगे आप, करो स्टार्ट इनका। करने जा रहे हैं, कैसे करना है, कौन से एंगल में करना है, उसका जरूर ध्यान रखिए। तो आप थोड़ी गर्दन को टेढ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बालों की लेंथ मतलब ज्यादा लंबी है तो उनको मैनेज करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। उसके बाद आप हल्का ट्रायल भी कर सकते हैं। अब हम आएंगे राइट साइड, अब हम सेम साइड इसको स्प्रे कर रहे हैं। आ रहा है क्योंकि आपका जो ज्यादातर ये भी यूज करते हैं इसको हार्ड करने के लिए, थोड़ा गट करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर जरूरत पड़ती तो मैं इसको जरूर यूज करता, क्योंकि इनके बालों की लेंथ मिनिमम थी, अगर ज्यादा बड़ी होती तो मैं इसको यूज जरूर करता, क्योंकि यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके साथ ही इनका मतलब हेयर स्टाइल अच्छी लुक में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना कमेंट के जरिए। अगर कोई भी आपको सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि हमारी कमेंट के जरिए अगर बात पूछेगी तो वो अकेले को ही शो होती है, वरना हम ज़्यादा मतलब कमेंट में बता नहीं सकते। ठीक है जी, ओके, बाय, सी यू।